लड्डू बटन की तैयारी कर ले, छोरा होगा। उन तो पहले ही बेरा था बेटा, तेरा छोरा होगा। जग जग जियो बेटा। आपको डॉक्टर मैम ने अंदर बुलाया है। हाँ जी, बताइए क्या परेशानी है। मैडम, हमने सुनिया से कि नई मशीन आई से जिससे बेरा पाट जा से कि भाई छोरा होगा कि छोरी। परेशानी तो कुछ नहीं, बस जो बेरा पाट जाता कि बेटा होगा कि बेटी। देखिए, मशीनें सिर्फ लिंग जांच के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती हैं कि बच्चा जो गर्भ में है वो स्वस्थ है या नहीं। तो प्लीज मैडम एक बार चेक कर देते। आइए। देखिए, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, सारे अंगों का ठीक से विकास हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। मैडम बेटा ही है ना? बेटा नहीं, बिटिया है। इसमें क्या परेशानी है? बेटा बेटी तो दोनों एक समान होते हैं। मैडम वो बात तो ठीक है, मेरी पहले दो बेटी से और तीसरी भी बेटी ना। मैडम हम या तीसरी बेटी नहीं चाहते, आप इस बच्ची ने गिरा दियो। सॉरी, ये हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पेशेंट। बस बेटी, बस हौसला रख, थोड़ा जोर लगाना। बस बेटी, बस हौसला रख। ले भाई, ये बनेगा छोरा हीरो। हाँ। ए पलक, आज चला ले उन्हें। अरे खड़ी हो तू, जा भीतर तपाई का बस्ता लेका। अरे सुड़े से के भगवान ने दही और चीनी ले आइए, छोरे का मुंह मीठा कराना से। आज भी छोरे का पहला दिन से। हाँ ले बेटा, खा ले खा ले खा ले। अरे वाह, ए तकाचा कर, बैठ, चला बेटा। है शाबाश, अरे वाह मेरा लड्डू। दीदी, छोटू तो हमसे भी छोटा है, हम स्कूल कब जाएंगे? हम लड़के आ रहे हैं, अगर हम स्कूल जाएंगे तो घर के सारे काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कौन बनाएगा? पर दीदी, ये सब काम लड़कों से क्यों नहीं कराते? क्या ये सब काम लड़कियों को ही करना होता है? पता नहीं, शायद हम छोरा इसलिए बनाई हो, शायद यो सब काम हम छोरा तो ज्यादा अच्छे से कर लेते हो। पर जब यो काम छोरा तो अच्छा कर सके तो पढ़ाई लिखाई भी तो उन तक गणी अच्छी कर सके ना। चल रे पगली, ज्यादा बातें मत बना, फटाफट बर्तन धो ले, पापा वरना मार मार के ना मोर बना देगी। अरे मारी गाड़ी सब थक गए, अरे पहुंच गए स्कूल बेटा।
चल चल मेरे बेटे। बाय पापा। बाय बेटा। अरे कैलाश, तेरा छोरा बियाड़े पड़ा है। मेरा छोरा नहीं, छोरी है, और वह पड़ा है। भाई छोरी ने स्कूल में पढ़ा के बनाना चाहस है? मेरे तो भी दो छोरी से मन्ना तो कदा स्कूल में ना भेजी, घर का सारा काम करे से। भाई मारे समाज में छोरी को स्कूल में भेजना ठीक नहीं समझा जाता। दो छोरी? पर मन सुने तेरा तीन छोरी हुई है। शाबाश, छा गया मेरा बेटा थर्ड आयस है। पापा 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 पापा, देखो मैं फर्स्ट आई हूं। मेरी बेटी फर्स्ट आई है। चल बेटा। मैं माटी की मूरत, मैं भोली सी सूरत, दुनिया ने मेरी कोन्या जरूरत। कच्ची शाही ते लिखा होया इतिहास का पन्ना हूं मैं। कन्या बादल सी मेरी कदर न करता कोई क्यों, सब मेरी कोख ते जन्म लेवे मन जन्म लिया तो रोए क्यों। जो किसे न रब ते ना मांगी मैं वाहे तमन्ना हूं। माँ माँ पापा माँ पापा, मेरा MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया। ये बेटी या तो बहुत अच्छी बात हुई। देखा रेनु की माँ अपनी बेटी डॉक्टर बनेगी डॉक्टर। पर पापा। पर के बेटा, इसमें घना खर्चा होगा मार दो रे, इतने पीसे को नहीं। जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूंगा, पर अपनी बेटी का सपना नहीं टूटने दूंगा। तू बस ध्यान लगा के पढ़ाई करना और बहुत बड़ी डॉक्टर बनना, बहुत बड़ी। माँ पापा अब दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हो। मैं कन्या हूँ, 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 मैं कन्या सी मन पढ़ के देखो भीतर ते, कुछ अखबारा के पन्ना ने ना जोड़ो मेरे चरित्र ते।
अरे सामान लेके किस जा से? ईब तो आया था। पापा मने जाना पड़ेगा। अरे चलिया जाइए, मैं कितना ना टूसूं। बाकी दो तीन दिन और रुक जाता, वही तेरी माँ के गुजरने के बाद मैं तो कती अकेला पड़ गया सू। पहले तो तेरी बेबे और थी, घर में जी लागे रहा करता, ईब उनका भी ब्याह कर दिया और तू भी कई कई दिन में चक्कर मारे से। पापा कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बता ना। पापा वो मने पापा मने शादी कर ली। पापा के शादी कर ली के? बाप तब बताए बिना शादी कर ली है? मने जाना पड़ेगा पापा। ही तेरा दिमाग खराब से के इससे दिन खातर पाले पोसा था? ओ बेशरम, औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उसे, और तू मन्ना छोड़ के जागा है? पापा लड़की के पिता ने मरता अपनी कंपनी में नौकरी दी है, अरे भुनने के लिए रहना पड़ेगा मन। अरे यो मेरे करियर का सवाल है पापा। और तेरा बाबू? ओ दीपक आ रहे। मने जाना पड़ेगा पापा। ओ दीपू, दीपू ना बेटा है, बहुत लाडा था पाड़े से बेटा। दीपू, ओ दीपू, 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 दीपू। अच्छा होया जो तीन देखकर तो पहले तो इस दुनिया में कौन है? बेटी तो पराया धनों से वो अपने घर चली गई, और मारा इकलौता बेटा जो अपने बहुत मुश्किल से मिला था, पाड़ा पोसा बड़ा करया, काबिल बढ़ाया, आज वो भी बड़ा छोड़ कर चला गया। गुलाब जी मैंने चेक कर लिया है, आपके गुर्दे में प्रॉब्लम है, और मेरी आप खातरिया सलाह है कि जितना जल्दी हो सके आप बड़े तो बड़े हॉस्पिटल में जाओ और अपना इलाज करवाओ। बाबा कैसे हैं आप? लंबी सांस। बाबा हमने आपकी रिपोर्ट चेक कर ली है, आपके साथ और कोई नहीं आया क्या? मैं इकला सूं, मेरा कोई नहीं सर। पर बाबा आपकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, अगर तुरंत किडनी का इंतजाम नहीं हुआ तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। सब मन छोड़ के चले गए, कोई नहीं सर मेरा, कोई नहीं सर, कोई नहीं सर मेरा। डॉक साहब मैंने इनके बेटे से बात की थी पर वो आने के लिए मना कर रहे हैं। ओह आई सी, जस्ट गिव मी हिज फाइल। रिनू का फोन है। हेलो
माँ राम राम। राम राम बेटी, और ठीक है रेनू? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं गति बढ़िया, बहुत दिन पाछे फोन करया। माँ थोड़ी बिजी थी, पापा से बात कराई हूँ। हाँ ले कर ले बात। हेलो, रेनू बेटा ठीक से तू? सब ठीक है पापा, आप क्या कर रहे हैं? बस कुछ ना बेटा, तेरी माँ रोटी पो तेरी माँ रोटी खाने लग रहे हूँ। पर बेटा आज इतनी रात ने किस तरह फोन करया तने? पापा आज मेरे पास एक पेशेंट आया है जिसका नाम गुलाब सिंह है। उसका एड्रेस हमारे गांव का ही है। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। के? उनके बेटे ने भी आने से मना कर दिया। हेलो हेलो पापा, पापा आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ बेटा सुन रहा हूँ। पापा इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। आप इनके किसी करीबी को जानते हो तो इनका कुछ हो सकता है। हाँ बेटा जानू हूँ, पर क्या पापा? ये आदमी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, बताओ ना। बेटा रेनू, रेनू बेटा, गुलाब मन बेरा है, तू के सोच रहा है? कैलाश मैं गलत था, बेटियां न लेकर जो मेरी सोच थी वह भी गलत थी। राज एक बेटी ने मेरी जान बचाई से। देर आया दुरुस्त आया, देरते सही गुलाब, पर तेरे समझ में तो आया, बेटियां बेटियां तो कम नहीं होती। बेटी बेटियां तो कम नहीं बल्कि बहुत बातों से। मेरे भी दो बेटी थी, काश मैं उन्हें पढ़ाता वे भी डॉक्टर बन जाती। तेरे याद है गुलाब, उस दिन मैंने तेरे तक कहा था कि तेरे दो नहीं तीन बेटी है, तू तो शायद भूल गया होगा, पर मन अच्छी तरह याद है। जब तेरे छोटी बेटी पैदा हुई थी और उसने पैदा होते ए भाई छोरी अच्छा कोसेला मैं जाऊं खेत में पानी लगाने, लेट हो रहा हूं। चाह तो पी लेते। ना ना आके पीऊंगा।
बड़ा किसका ठला है? तू सड़क पर छोड़ गया था, मन ने देख लिया था तो मैं उस मासूम ने अपनी गले ठा लिया था। हाँ गुलाब, या जो डॉक्टर रेनू है ना, या तेरी छोटी बेटी है के कई क्लास रेनू मेरी बेटी से। हाँ गुलाब भगवान क्या मैंने किया करा रेनू मेरी बेटी से। हाँ गुलाब, रेनू तेरी ही बेटी से, पर तू के जाना बेटी के हो से, यो तो मारे पर गहुन तपूज जिनकी कोई औलाद नहीं छे, जो एक बेटी ने तरसे हैं और आज उसने यह साबित कर दिया। तेरी जान बचा के कि बेटियां बेटा तक कम नहीं होती गुलाब। मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं से हो सके और मैंने माफ भी ना करे फिर भी मैं उसके सामने जाके माफी मांगना चाहूसू, मने ले चल क्लाश। ले चल। रेनू बेटा, मैं करता भी तो की करता, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं थी ना। जिस दिन मैंने तू पहली बार देखी उस दिन नू लग गया कि मैंने दुनिया की सारी खुशी मिल गई। यह तो मतने कदे भी नहीं बतांदा, पर के करूं, जिंदगी ने इसे मोड़ पर ले दिया। जय भी तेरे से नहीं बतांदा, नहीं तो मैं सारी उम्र का तेरा गुनहगार बन जाऊं। और बेटी मैंने जो पाप करया से वो माफी के लायक नहीं से, अन्ना पे माफी का हकदार सू। बाकी तेने सारी बात बेरा होने के बाद भी तेने मेरी जान बचाई, वो काम शायद कोई बेटी कर सके से। बाकी एक बात समझ में आ गई, बेटी बेटे तक कति कम नहीं से। मैं तेरे सामी आज जोड़ का माफी मांगू सू, मने जो भी सजा देगी वह मन मंजूर होगी। काश आपने मुझे पैदा करके फेंकने से पहले एक बार मुड़कर मेरी तरफ देख लिया होता, हमें भी बेटों की तरह समझा होता। ओ
और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, न जाने कितनी बच्चियों को पैदा होने से पहले मिटा दिया जाता है इस देश में, और जो पैदा हो जाए उसे पूरी उम्र बोझ समझा जाता है। सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो खुशकिस्मत ही कि मुझे किसी ने बचा लिया, उन हजारों लाखों बच्चियों का क्या जिन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। काश मेरी कहानी सुनकर लोगों को समझ में आए कि बेटी भी बेटों जितनी जरूरी होती है, और सिर्फ बेटी बचाना ही नहीं बेटी पढ़ाना भी जरूरी होता है। पापा मैं माटी की मूरत, मैं भोली सी सूरत, दुनिया ने मेरी कोन्या जरूरत। कच्ची शाही ते लिखा होया इतिहास का पन्ना हूं मैं, कन्या बादल सी मेरी कदर न करता कोई क्यों, सब मेरी कोख ते जन्म लेवे मन जन्म लिया तो रोए क्यों। जो किसे न रब ते ना मांगी मैं वाहे तमन्ना हूं, मैं कन्या।